बांग्लादेश भारत न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बिजनौर की बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरोध में आरक्षण को लेकर प्रदर्शन। आरक्षण को लेकर कई संगठन के लोग डीएम को सौंपेंगे आज ज्ञापन। बंद को लेकर जिले में कई दुकान खुली। आजाद समाज पार्टी और बीएसपी के कार्यकर्ता निकालेंगे रैली। आप देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूज चैनल पर। हमारे सहयोगी संवाददाता नीरज पाल की यह लेटेस्ट खबर हिंदी में देखिए। दलित क्रीम ले आरक्षण के विरोध में सड़कों पर होगा प्रदर्शन। भारत बंद को लेकर हाई अलर्ट मोड पुलिस। आरक्षण को लेकर पहले 2 अप्रैल 2018 में दलितों ने किया था चक्का जाम। भारत बंद के आह्वान को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने दिया समर्थन। जिले में जगह जगह आरक्षण बचाव को लेकर दलितों का रहेगा प्रदर्शन। बिजनौर थाना कोतवाली शहर के खोखरा ग्राउंड में एकत्र होंगे दलित समाज के लोग। बाइट अभिषेक झा, पुलिस अधीक्षक बिजनौर। कप्तान साहब, आज भारत बंद का आह्वान है, आपकी तरफ से सुरक्षा के क्या इंतजाम है? देखिए, जो भी सामाजिक संगठन है जिन्होंने आह्वान किया है, उन्होंने जो है एक पर्टिकुलर अपना रूल निर्धारित कर रखा है, जिससे जो है उनका मूवमेंट एक्सपेक्टेड है और अल्टीमेटली में जो है कलेक्ट्रेट पर ज्ञापन देने की जो है उनसे जो उन्होंने कॉल दिया है। तो इस संबंध में जो है हमने लगभग 13 या 14 पॉइंट्स पर प्रॉपर ड्यूटी लगाई है। उसके अलावा जो भी लोग गैदर हो रहे हैं उनके साथ हमने पर्याप्त मात्रा में जो है पुलिस बल दिया है, जिससे कि किसी प्रकार की कानून व्यवस्था भंग ना हो। और इसी संबंध में जो है सभी राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जो ड्यूटी पर लगे हैं उनके द्वारा ड्यूटियाँ चेक की गई हैं, फोर्स प्रॉपरली मौजूद है और उनको जो है हम लोग रूट पर प्रॉपरली ब्रीफ कर रहे हैं ताकि वो प्रॉपरली इस चीज़ को हैंडल करें और किसी प्रकार की कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न ना हो। अगर कोई जबरन दुकानें बंद कराता है तो क्या किया जाएगा? FIR होगी और कार्रवाई होगी।